गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे डे ट्यूसडे, डेट 20 अप्रैल 2021, क्लास फोर्थ, चैप्टर नंबर आपका है 5, सब्जेक्ट जीके। आपके चैप्टर का नेम है स्पोर्ट्स एंड प्लेयर। स्पोर्ट्स खेल और खिलाड़ी, स्पोर्ट्स होते हैं खेल और प्लेयर्स कौन होते हैं? खिलाड़ी, खेल और खिलाड़ी। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। ये फेमस स्पोर्ट्स स्टार है, बहुत ही प्रसिद्ध स्पोर्ट्स स्टार है ये। इनके साथ इनकी पिक्चर्स भी दे रखी है और इनका नाम भी दे रखा है। हमें क्या बताना है, ये कौन सी गेम खेलते हैं, किसके किस खेल के, कौन से स्पोर्ट्स के ये पर्सन है, हमें ये बताना है। फर्स्ट पिक्चर देखिए, क्या नेम है, पिक्चर भी देख लीजिए अच्छे से। और इनका नाम है बबीता फोगाट। और ये कौन सी गेम खेलती है? रेसलिंग, कुश्ती खेलते हैं। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, ये है ऋषभ पंत, ये क्रिकेट के प्लेयर है। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, सुनील छेत्री, ये फुटबॉल के प्लेयर हैं। नेक्स्ट देखिए, आकाशदीप सिंह, ये हॉकी के बहुत ही फेमस प्लेयर हैं। नेक्स्ट देखिए, विश्वनाथन आनंद, ये चेस के प्लेयर हैं। नेक्स्ट देखिए, विजेंद्र सिंह, बहुत ही पुराने प्लेयर है ये बॉक्सिंग के। नेक्स्ट देखिए, अभिनव बिंद्रा, ये शूटिंग क्या होती है, निशानेबाजी, जैसे जो एक टाइप की गन होती है और उससे उसको सामने किसी भी कोई चीज को निशान लगाना होता है, किसके गन के साथ, इसे बोलते हैं हिंदी में निशानेबाजी, शूटिंग करनी होती है, निशाने लगाने होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जसप्रीत बुमराह, ये भी बहुत फेमस है, इसके बारे में आई थिंक आपको शायद पता होगा, ये है क्रिकेट के प्लेयर है जसप्रीत बुमराह, बुमराह के नाम से बहुत फेमस है। आगे देखिए, पंकज एडवाणी, आई थिंक आपके लिए जो ये गेम है न्यू होगी, बिलियार्ड्स, शायद आपको पता होगा ये आपके लिए न्यू होगी। आपने स्नूकर भी सुनी होगी और बिलियार्ड्स, ये दोनों मिलती जुलती गेम है। दोनों में डिफरेंस पता क्या है, आपने गेम देखी होगी, ग्रीन कलर का एक टेबल होता है और छोटी छोटी बॉल्स होती हैं और एक स्टिक के साथ उन बॉल्स को मारना होता है और साइड में सर्कल्स बने होते हैं, उसके अंदर डालना होता है। तो इसमें क्या, एक ऐसी गेम है जिसके अंदर एक लंबी छड़ी होती है और इस स्नूकर और बिलियार्ड्स में फर्क पता क्या होता है, उसमें 22 आई थिंक बॉल्स होती है और इसमें सिर्फ 3 होती है। इस गेम में कैसे होता है, एक लंबी छड़ी होती है जिसकी 3 गेंदों को एक अलग से मेज, जो बड़ा सारा मेज के ऊपर रखा होता है और उसके कोनों में, उसके किनारों में जो बने छेद होते हैं, बॉल्स को हमने उसमें डालना होता है। इस गेम में ये होता है, इसे हम बिलियार्ड्स को हम पूल भी बोल सकते हैं, इस गेम को हम पूल भी बोल सकते हैं। इसका क्या नाम है, बिलियार्ड्स। इसमें 3 बॉल्स होते हैं, 3 बॉल्स कौन सी होती है, व्हाइट, येलो, रेड। नेक्स्ट देखो, खली, इसके बारे में भी आपको पता होगा, खली ये भी एक कुश्ती के प्लेयर है, रेसलिंग। नेक्स्ट देखिए, जीव मिल्खा सिंह, ये गोल्फ की प्लेयर है, छोटी सी बॉल होती है जो एक स्टिक के साथ, उसको बॉल के साथ हिट किक करते हैं और वो बॉल कहाँ जाती है, सरफेस पे एक होल बना होता है, छेद बना होता है सरफेस पे, जमीन पे, उसके अंदर जाती है। और ये क्या, जीव मिल्खा सिंह एक भारतीय है, गोलाफर थे, मतलब गोल्फ के जो प्लेयर थे, इन्होंने 1998 में यूरोपियन टूर में शामिल हुए थे और भारत के पहले खिलाड़ी थे ये। उन्होंने जो यूरोपियन का जब उनका टूर हुआ था, उसमें उन्होंने 4 इवेंट जीते थे और सबसे सक्सेसफुल, सबसे सफल इंडियन माने जाते हैं ये इस गेम के अंदर। क्या नेम है इनका, जीव मिल्खा सिंह। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, अंजू बॉबी जॉर्ज, ट्रैक एंड फील्ड। ट्रैक एंड फील्ड क्या होती है, जिसके अंदर हम रेस लगाते हैं, स्पोर्ट्स मीट में हमारे भी रेस लगती है ना, पूरा ट्रैक ड्रॉ करते हैं, तो उस ट्रैक एंड फील्ड उसको बोलते हैं, उस पे जैसे हम रेस लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं ट्रैक एंड फील्ड इस गेम को। और एक और किसकी प्लेयर है, ट्रैक एंड फील्ड की प्लेयर है, रेसिंग करती है, अंजू बॉबी जॉर्ज इसका नेम है। फिल दिस आंसर विद द गुड हैंड राइटिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।